दिखाई दे रहा यह नज़ारा फरदाबाद के गांव चंद्रावली का है, जहां धरने पर बैठे किसानों ने सरकार द्वारा लगाए गए किसान अध्यादेश को किसान विरोधी करार दिया। हालांकि फरदाबाद में किसानों का कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। धरने पर बैठे किसानों ने किसान अध्यादेश को किसानों के हित में न बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से किसान विरोधी है। उनका कहना है कि इस अध्यादेश को लाए जाने से पहले उन्हें प्रदेश के किसानों की राय लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। किसानों ने कहा कि सरकार को फसल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना चाहिए और इस अध्यादेश के अनुसार एजेंसियां सीधे खरीद करेंगी तो वह खरीदारी के बाद इसका स्टॉक भी करेंगे और जब मांग के मुकाबले बाजार में आपूर्ति कम होगी तो इसके दाम बढ़ेंगे और कालाबाजारी होगी। इस मौके पर अन्य किसानों ने तो डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को भी नसीहत दे डाली। उनका कहना था कि किसानों ने दुष्यंत चौटाला को जितवाया था और आज उसे किसानों की मदद करनी चाहिए। किसानों की मेहरबानी से पार्टी की 10 सीटें आई थी। यदि वह किसानों की ओर खड़े होंगे तो अगली बार पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार भी आ सकती है। कैसे विरोध कर रहे हैं इसका, अध्यादेश सरकार लाई है, क्यों इतनी जल्दबाजी में? पहले जिम्मेदारों से बात होनी चाहिए थी, सबको इकट्ठा करके सबकी सलाह लेनी चाहिए थी, तब ये अध्यादेश। अब ये चौटाला भी बनाया हुआ तो जिम्मेदारों का ही है, अगर ये जिम्मेदारों का साथ देगा तो इसको फिर दोबारा बना देगी जनता। इस बार तो 10 सीट आई, अगली बार पूरे बहुमत से भी आ सकता है, लेकिन ये दे तो सही जमींदारों के साथ और बात करवाए जमींदारों की, बैठ के सबका समर्थन ले, तब जाके ये अध्यादेश लाना चाहिए था, उससे गलत है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामनिवास नागर है। ये जो बिल अब सरकार लेके आई है, कैसे देख रहे हैं इसको, कितना सही मान रहे हैं, कितना गलत है और क्या कुछ होना चाहिए, कैसी व्यवस्था सर होनी चाहिए थी? देखिए, जो सरकार बिल लेकर के आ रही है, ये हमारी सोच ये पूरी तरह से किसान विरोधी है। ये इस बिल को बनाने से पहले सरकार को जो राय लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। कि किसान क्या चाहता है, सबसे पहले तो सरकार को चाहिए था, स्वामीनाथन जो आयोग है उसकी रिपोर्ट के आधार पर इनको बिल लाना चाहिए था। सरकार की जैसे अभी पीछे मोदी जी ने काम किया था, मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने ये किया था, हर किसान के खाते में 6,000 रुपये डायरेक्ट आ जाएंगे। हमारे हिसाब से वो ठीक है भाई, उसका सीधा सीधा लाभ जो किसान को मिल रहा। इसी तरह से अब जो ये फसल के बेचने की बात है तो शायद किसान को जो भी लागत है वो तो बराबर लगाता है, तो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य वो तय करना चाहिए सरकार को, जो सरकार ने नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बिल है ये पूरी तरह से किसान विरोधी है। अच्छा, आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि जल्दबाजी में बगैर बातचीत करे प्रतिनिधियों से ये बिल पेश किया गया, इसको लगातार विरोध कर रहे हैं? और क्या जब कोई प्राइवेट संस्थाएं अगर आपका अनाज खरीदेंगी तो क्या उसमें हो सकता है, कैसे घपला होगा या कालाबाजारी बढ़ेगी, क्या कुछ ऐसा है जो जिसका विरोध लगातार हो रहा है? देखिए, जो इधर उधर की एजेंसी आएंगी वो जो हमसे जो फसलें खरीदेंगी उन लोगों के पास सामर्थ्य है, वो उन फसलों को अनाज को इकट्ठा कर सकते हैं, और जब वो उनको गोदाम में इकट्ठा कर लेंगे, उनको नहीं बेचेंगे तो ऑटोमेटिक उन चीज़ों की कमी पड़ेगी मार्केट के अंदर। जब मार्केट के अंदर कमी पड़ेगी तो उनके भाव बढ़ेंगे, तो भाव बढ़ेंगे महंगे होंगे तो उसको कालाबाजारी अपने बढ़नी पड़नी है, तो जिसका सीधा सीधा जो है असर जो है अपने जो देश की जनता उसे पड़ेगा, लोगों को मतलब पेट भरने के लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा, जो कुलदीप जी, जो ये सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सरकार के हित में ये बिल आएगा, तो फिर क्यों नहीं समर्थन मूल्य इसमें लागू कर रही है? और अगर जो अगर सरकार कह रही है कि जो ये नया बिल है उसमें दूसरा बंदा आपकी फसल का मानक तय करेगा कि कैसे उसको जो है बेचा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, तो क्या उसमें FIR तक भी नहीं करा सकते हैं आप, जिला का अधिकारी तय करेगा, तो कितना सही है कितना गलत? ये जो सिस्टम अपना रहे हैं, जो अध्यादेश कर रहे हैं, इस पर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब भी वो संस्थाएं अपने अधिकार में रह के काम करेंगी, नहीं तो बेलगाम खरीदेंगे कुछ बेचेंगे कुछ, उन्हें खरीदने का भी समर्थन मूल्य तय करना चाहिए और उनका जो भी मिनिमम जो उनका स्टोरेज का वैसा खर्च रहा मिनिमम पे प्राइस पे बेचना, जो मार्केट माना वो भी प्राइस तय होना चाहिए, क्योंकि खरीदेंगे वो 10 रुपये में, उन पर कोई लिमिट नहीं है सरकार की, वो बेचेंगे 50 में, मुनाफा किसको उसको, घाटा किसको, वही किसान उसको फिर 50 में खरीदेगा वापसी, तो उसे अपना काम चलाना, तो ये गलत है, सरासर गलत है। किसानों की सोचनी चाहिए सरकार को, और जब किसानों की सरकार है ये तो उसके बारे में नहीं सोचेगी तो आगे ये खता खाएगी, सीधे कह रहे, जनता सब जानती है।
तो ये जो आढ़ती और किसानों के बीच की जो बात होती है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आढ़ती के पास संपर्क करते हैं पैसे के लिए भी या कुछ भी अगर निजी ज़रूरत भी होती है, लेकिन ऐसे में ना निजी संस्थाएँ आएंगी तो क्या होता है? निजी संस्थाएँ वो भी वही रूप अपनाएंगी, वो और ज़्यादा अपनाएंगी, क्यों? अब तो चलो आढ़ती से रहता फसल यहाँ ले आएंगे, अब तो वो ऐसा कानून बना रहे कि उसके पहले एग्रीमेंट हो जाएगा, उसमें और ज़्यादा शोषण होगा, इसमें तो नुकसान सर का किसानों का ही है। तो उसमें कोई ना, तो भाई किसी ने मेरे साथ धोखाधड़ी कर ली, उसमें जब हम अपना एक FIR लॉज नहीं करवा सके, शिकायत नहीं कर सकते, हमारा तो कानून ख़त्म, सर वो संस्थाओं का कानून है, किसान का तो राइट ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये सरासर धोखाधड़ी है, इतना तो हो सके उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो 420 के FIR दर्ज होनी चाहिए। अच्छा, जब ही इस बिल का कोई फायदा नहीं तो अन्यथा शोषण होगा, किसान का होगा, जनता का भी होगा। अच्छा, लगातार जो है किसान मांग कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए, JJP ने जो उसके वोटर हैं वो किसान है, और ऐसे में जब लाठीचार्ज होता है BPP में तो क्या कुछ होना चाहिए इसमें, सरकार पर दबाव कैसे बनाए? देखो जी, वे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें सोचना चाहिए, किसान गलत हो रहा तो उन्हें करना चाहिए, जनता के बने हुए प्रतिनिधि है, अब उन्हें सोचना सीट की वो है, उन्हें लालच है या जनता की लालच है, जैसे देखे जनता जान देख रही है। फिलहाल जो किसान विरोधी है, यदि विरोधी है तो उन्हें उनका किसानों का समर्थन करना चाहिए, और इस्तीफा देने में क्या इसी जनता ने बनाए फिर बना देगा।